रक्षा करना। इस मुसीबत का आप ही को कोई हल निकालना होगा फादर। सॉरी सर, हम लोग उन्हें ढूंढने में नाकामयाब रहे। हम हर जगह गए पर कहीं पता नहीं चला। स्टेट इंटेलिजेंस के मुताबिक हमें जो खबर मिली है वो इंटेलिजेंस की ऐसी की तैसी। इस राज्य में इंटेलिजेंस कानून नाम की कोई चीज रही नहीं गई है। अगर होती तो हमें यहाँ इकट्ठा होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जगदीश अपने तीन एमएलए के साथ क्या कह रहा है जानते हो? कि सरकार से वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कुछ पता नहीं। और ऊपर से तुम्हारा पुलिस डिपार्टमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा। पता नहीं कहां जाकर छुपे बैठे हैं कि उनका फोन भी नहीं लग रहा। और आपका डिपार्टमेंट कुछ भी पता लगाने में असमर्थ है। टोटल इंटेलिजेंस फेलियर। इस डिपार्टमेंट के डीजी और उनकी टीम को इस केस से हटाना होगा। पुलिस को इस मामले में घसीटने से क्या फायदा होने वाला है? जो होना था वो तो हो गया। इस क्राइसिस से कैसे निपटा जाए अब हमें इस पर ध्यान देना होगा। वो इतना आसान काम नहीं है अजय साहब। जगदीश और उनके साथ जो तीन एमएलए है ना, वो इतने अड़ियल है कि चाहे कुछ भी कर लो वो टस से मस नहीं होने वाले। अब ऐसे हालात में हमारी सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी चाहे कुछ भी कर लो। आज की रात कल का दिन और कल की रात, अभी 40 घंटे और हैं हमारे पास। अगर हम कोशिश करते रहें तो रास्ता जरूर मिलेगा। फादर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं उस रात के बारे में सोच रहा हूं। उस रात इस धरती पर एक नई शक्ति का जन्म हुआ था। उसका जन्म लोगों के कल्याण के लिए था। वैसा ही एक इंसान मेरे दिल में बसा हुआ है, माधव। माधव जी? ऊंच नीच धर्म अधर्म सबको सही रास्ता दिखाने वाला एक इंसान जिसे आप सब चंद्रगिरी के माधव के नाम से भी जानते हैं। हाथी जितना ही बलशाली है वो। लोगों की सहायता करने की जब बात आती है तो वो सबसे चार कदम आगे ही रहता है। साहसी पुरुष। आप सब ने भी माधव की सहायता कभी ना कभी जरूर ली है और उसने हमेशा आपको हर खतरे से बचाया भी। चर्च के प्रतिनिधियों को लेकर कॉलेज के लड़कों ने अपोजिशन के कहने पर जब स्ट्राइक किया था तब परिस्थिति बहुत खराब हुई थी और माधव ने ही हमारी कुर्सी की लाज रखी थी। और सारे नेताओं ने मिलकर चर्च का सहारा लेकर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की पर माधव ने नहीं। और इस बार भी अगर कोई करेगा तो सिर्फ माधव। मेरी बात सुनो जी। तुम मुख्यमंत्री हो, तुम्हें खुद जाकर उसे मिलना होगा जी। हम सारे चर्च के लोग प्रार्थना करेंगे माधव आपकी रक्षा करें। समिति ने इस बार 15 हाथियों की सिफारिश की है रथ यात्रा के लिए। 15 हाथी आपको मिल जाएंगे और वहाँ पर पेरुवनम, मत्तनूर और किलूर के कुछ अधिकारी भी होंगे। उन सब के लिए 7 दिनों तक 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था होगी। यात्रा जब तक चलता रहेगा तब तक मैं नहीं चाहता कि कोई भी इंसान भूखा रहे। इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो शंकर जी उसकी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। माधव भैया सीएम साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए आए हैं। माधव जी आइए सर प्लीज। नमस्ते। जगदीश जी और तीन एमएलए कहाँ गायब हो गए यही जानना है ना? क्यों? तो माधव जी को सब कुछ पता चल चुका है। मदद कीजिए आप। शंकर जी आप तो जानते ही हैं पिछली बार मैं कुछ ही महीनों के लिए सीएम की कुर्सी पर बैठ पाया था और अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तब तो मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा कि मैं सीएम की कुर्सी के लायक नहीं हूँ। आने वाले 2 दिनों में मेरी पार्टी असेंबली का सेशन शुरू करने वाली है।
आपसे गुजारिश है कि उससे पहले ही अगर ये मामला सेट हो जाए तो। आप डरिए मत, कोई भी अनहोनी नहीं होगी। आपकी जो सरकार है ना, गिरने वाली नहीं है। बस यही तो चाहिए था मुझे जो मिल गया आपसे, तो अब आज्ञा दीजिए। क्या हुआ? मैंने उस जगदीश के रिश्तेदारों और संबंधियों को फोन किया, मगर कुछ भी पता नहीं चल पाया। जमाल, अगर कोई भी छुपा बैठा होगा तो वो कभी भी रिश्तेदारों या अपने संबंधियों को फोन नहीं करने वाला। उसके साथ वो एक औरत थी ना, क्या नाम था, राधिका प्रसाद या सुधा देवी, कोई महिला मंडल वाली थी। राधिका प्रसाद, वो अपनी जगदीश जी वाली। हाँ वही, पता करो उसका। जी हेलो, हाँ जमाल बोल रहा हूँ। हमारा शक बिल्कुल सही निकला, उस औरत को उसने 3 बार फोन किया था, फिलहाल वो बिल्लारी में है। ओ, बिल्लारी। जमाल, हाँ, गाड़ी निकालो। बता इस गाड़ी में और कितने आदमी हैं? पता चला है कुछ खतरनाक लोग बेल्लारी की सीमा में दाखिल हुए हैं। इतनी दूर आने वाले तुम आखिर हो कौन? पुलिस वाले? नहीं। तुम जो भी हो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम यहाँ किसके लिए आए हो। जगदीश जी के लिए। पर अफसोस, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हेमलता का ही राज है। यहाँ से कोई भी आदमी बिना मेरी परमिशन के एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता, समझ गए तुम? अगर बढ़ाया तो? ये केरला नहीं है, कर्नाटक है। हीरोइज्म दिखाने की जरूरत नहीं। अगर जान बचानी है तो जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से निकल जाओ, नहीं तो तेरा भेजा खोल दूंगी। माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था गाड़ी के अंदर आप हैं। मुझे माफ कर दीजिए। ये कौन है पता है? मेरे भगवान, मेरे भगवान है। अरे तुम सब लोग खड़े क्यों हो? जाओ जाकर कुर्सी ले आओ, जाओ। अरे उस जगदीश के लिए भैया, आप इतनी दूर तक यहाँ पे क्यों चले आए? एक फोन ही आप कर देते, मैं खुद उसे लेकर चली आती। जानते हो, श्री मंगलापुरम रूट में मेरा ट्रक का धंधा था। एक दिन मेरे सारे ट्रक्स पुलिस ने सीज कर दिए, बहुत बड़ा केस हुआ। और जब मैं कमलापुरम में थी तो बिना वारंट के मुझे कस्टडी में डाल दिया, सीधा कोर्ट और जेल। हो तब एक ही शख्स था जिसने मेरी मदद की, और वो थे ये माधव भैया। तब से मैं इनका एहसान चुकाना चाहती थी, और देखो आज भगवान ने मुझे कितना अच्छा मौका दिया है। हे, सारे एमएलएस को लेकर आओ। माधव भैया मेरे भगवान हैं। अगर तुम में से किसी ने भी इन्हें नुकसान पहुंचाया, तो मैं तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हें काट कर रख दूंगी, समझ गए ना, रंग बदलने वाले मंत्रियों। हमारे पास समय बहुत कम है, चलिए चलते हैं। देखिए, उससे पहले माधव भैया को सुनना होगा कि हमें क्या कहना। इलेक्शन जीतने से पहले जिन लोगों ने मुझसे वादा किया था, खासकर प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी के प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में पार्टी लीडर, इलेक्शन से पहले सबने मुझसे वादा किया था, पर जब सत्ता हासिल हुई तो सब के सब भूल गए। अब इस गलती को सुधारना है। मुझसे उन लोगों ने जो भी वादे किए थे, अब आपकी जिम्मेदारी है कि उन वादों को मेरे लिए पूरा करो। आप कहेंगे तो सीएम जरूर मानेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिले, यही मेरा सपना है। उन्होंने अगर तुम्हें वादा किया है तो वो जरूर पूरा करेंगे। आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। भूलना होगा। जिस किसी ने भी आज तक मुझे ये कहा, उसने मुझे धोखा ही दिया है। अगर सीएम साहब चाहते हैं कि वो इस लिस्ट में न रहे तो उन्हें ये भूलना होगा। मुझे हमेशा एक दोस्त की तरह रहना पसंद है। जैसा आप चाहें। नमस्ते।
Hey, what's your problem? Hello, hello. Calm down. Calm down. Calm down. What is your problem? Who are you kidnapping? Huh? I said get out of our way. Huh? क्या समझ रखा है? ये तुम्हारे बाप का एरिया है जो सुबह सुबह किसी का किडनैप करने निकल पड़े हा? वो जो भी है उसे चुपचाप छोड़ दो। I said get the hell out of here. Blocking our way, sir. कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? We are from Central Excise. We have a warrant for this man. वो एक पुराना मुजरिम है, जानते हो? I'm sorry, sir, पर मैंने इनसे कई बार पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे लगा कि ये किसी को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में पड़ गया। सर, मेरा मकसद आपके आपके काम के बीच में टांग अड़ाना नहीं था। What's the problem? क्या बात हुई? हम बात करें इनसे? तो ये बात है, पूरी गैंग है यहाँ पर। सर, गैंग नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। कहाँ से पढ़ने आए हो? सर, हम लोग केरल से पढ़ने आए हैं यहाँ पर। केरल में कहाँ से? केरल में चंद्रगिरी गांव से। सर, चंद्रगिरी में कहाँ? चंद्रगिरी में वो गोविंद सिंह जी का बेटा है ना, माधव सिंह। मैं सर, यू कैरी ऑन। तुम माधव भैया के बेटे हो? हाँ। अरे वाह, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? सर, आप मेरे पापा को जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है, भगवान की तरह मानता हूँ उन्हें। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस यूनिफॉर्म को ध्यान से देखो। नीलगढ़ के एक छोटे से गांव के एक स्टेट मैनेजर का यह बेटा आज अगर इस पोजीशन पे पहुंच पाया है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, माधव भैया। सरकारी काम में दखल दे रहे हो, चाहो तो तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, पर तुम जाओ, डिपार्टमेंट को समझा दूंगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, शरीफ घर से हो, जाओ। और हाँ, मुझे यहाँ कर मिलना, मैं वो बैठकर बातें करेंगे। चंद्रगिरी के माधव भैया, फोन उठाने में देर क्यों हुई? अरे नहीं पापा, वो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं इसलिए फोन नहीं उठा पाए। इस सेमेस्टर के साथ ही तुम्हारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना? नहीं पापा, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है। मुझे जरा एक सवाल का जवाब देना, कोस्ट गार्ड में कितने प्रकार के जहाज होते हैं? कोस्ट गार्ड गए तेल लेने। एक्चुअली मेरे दोस्त आए हुए हैं पापा, उन्हें कुछ डाउट था तो यहाँ पर वो मुझसे कुछ पूछने आ गए। मैं यहाँ का बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ ना, तो सब लोग मुझसे। हाँ हाँ, समझ गया, तुम स्कॉलर हो ना, इसलिए सब तुम्हारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर करने, जैसा तुमने कहा। हाँ वही पापा, सुबह जो तुमने किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरी बात क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो मुझसे? पापा, अगली बार ख्याल रखना। ठीक है पापा, अब ऐसा नहीं करूंगा। अच्छा फोन रखता हूँ पापा। क्या कहा आपने? अब वो नहीं, मैं अच्छा ठीक है, अब ओके फोन रखता हूँ। क्या हुआ यार? वीएस नायर सर ने कुछ नहीं कहा, पर पापा को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं कल के कल घर पहुंच जाऊं, कल सुबह उनके सामने हाजिरी देनी है। तो फिर तुम्हारा ये कोर्स? वो मेरी पढ़ाई छोड़ाने के लिए यहाँ से मुझे गांव नहीं बुला रहे हैं, दरअसल गांव में एक फंक्शन है और वो चाहते हैं कि मैं फंक्शन में रहूं। फिलहाल ये बात नंदा को पता न चले, अगर उसने मेरे साथ आने का फैसला कर लिया ना, तब तो बैंड बज जाएगी मेरी। चलो कल सुबह 6 बजे मैं अपने गाँव पहुँच जाऊंगा, जिसका नाम है चंद्रगिरी। बहुत ही प्यारा गाँव है वो।